अभिनेता अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिश अब ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। यह क्राइम थ्रिलर फिल्म है। बुधवार की शाम मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां कई सेलेब्स मौजूद थे। अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेबियला ड्रमेस्टर, मानव कौल, आनंद तिवारी, रंजीत कपूर, मधु शाह, सुमित व्यास, शरद केलकर सहित कई अन्य सेलिब्रिटीज स्क्रीनिंग में मौजूद थे। इस फिल्म का ट्रेलर भी काफी पसंद किया गया था। इस दौरान जब अर्जुन से इस फिल्म के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत लोगों के साथ काम कर सभी लोगों के साथ काम करने को मिला है। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट और आज अब ऐसे लग रहा है कि अंदर जो सीखने को मिला है वो सारा कुछ अब मैं और बाहर निकाल सकता हूँ अपने टैलेंट में, अपने कला में, एंड दैट्स व्हाट्स एक्साइटिंग फॉर मी। हाल ही में हमने देखा कि आप कंगना के घर भी गए थे, पार्टी थी और धाकड़ फिल्म आपने साइन की, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो तो अभी जा रहा हूँ मैं उसकी शूटिंग पे, तो या एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट 2021 में हमें देखने को मिलेंगे? नेल पॉलिश जैसा कि सक्सेस हो चुकी है, नेल पॉलिश है, मैंने एक और फिल्म कंप्लीट की है अब्बास मस्तान जी की, विच इज़ कॉल्ड पेंट हाउस। अब जा रहा हूँ धाकड़ की शूटिंग के लिए, फिर लौटते ही एक फिल्म है भीमा कोरेगांव जो शुरू की थी कोविड, फिर कोविड हो गया, कोविड से पहले शुरू की थी, उसकी शूटिंग कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल 2 है, एक अपर्णा सेन के साथ भी फिल्म है कॉल द रेपिस्ट। मानव के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है, जितना बोलूँ मैं कम है। मैं जानता था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने बक्स से सिर्फ कहा कि ये जो आपने कास्ट किया है, जिस कलाकार को आपने कास्ट किया है वही इसके। इसके बाद जब अर्जुन से इन दिनों बॉलीवुड में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा और वहां से चले गए। अर्जुन, जाते आते छोटी सी बात कि तमाम तरह की कंट्रोवर्सी बॉलीवुड में चल रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, जांच चल रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? INS रिपोर्ट।